एक त्रेता युग का बेटा था श्रवण कुमार, जिसने अपने अंधे माँ बाप की सेवा कर मिसाल कायम की। और एक ये कलयुग का बेटा है पटवारी, जिसने अपनी माँ की जमीन हड़प कर उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। ये मामला डिंडौरी का है, जहाँ आलोनी गांव में रहने वाली विमला बाई ने बताया कि मेरे एक लौते बेटे अविनाश कुरसेंगा ने षड्यंत्र के तहत अपने बीमार पिता से दस्तखत करवा कर जमीन जायदाद अपने नाम कर लिया और घर पर ताला लगाकर मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। विमला बाई ने बताया कि उसके तीन बच्चे हैं, एक बेटा और दो बेटियां हैं। उसके पति हरेराम कुरसेंगा की मौत 2020 में हो गई। वो लकवा से ग्रसित थे, लेकिन मौत से पहले अविनाश ने उनसे धोखे से दस्तखत करवा लिए। विमला बाई ने बताया कि बेटे से पति की मौत के बाद जब मैंने फोतीनामा कटवाने का बोला, तो उसने ये कह दिया कि पिताजी की सारी संपत्ति मेरे नाम है। धीरे धीरे उसने सब जगह कब्जा कर लिया। मैंने इसकी शिकायत अमरपुर पुलिस चौकी में, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में और कलेक्टर से भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब मैं लाचार बेसहारा कहाँ भटकूं? मेरे पति की 2020 में 21 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई। तो इसके बाद मेरा लड़का मेरे को 1 महीने के लिए सहपुरा में पोस्टिंग की पटवारी है, तो वहाँ मुझे ले गया, 1 महीना रखा। तब मेरे पति दो दो सर्विस कर रहे थे, तो उनकी पेंशन थी, तो उसने कुछ कार्रवाई नहीं करा। तो फिर 6 महीने बाद फिर मैं पैतृक घर में आई अलोनी में, तो मैंने बोली बेटा मेरे साथ ही आया था वो, परिवार से आए थे बाहर में। तो फिर बोला कि मैंने बोली कि बेटा तू कुछ कार्रवाई कर पापा की पेंशन के लिए। तो उसने बोला कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अमरपुर में किराए से कमरा लेके रहने लगी। तो इसके बाद में मैं खुद किसी किसी का सहारा लेके जा जाके शहडोल में 3-4 बार गई, तब उसकी वहाँ मेरे को एक पेंशन लागू हुई। उसी में मैं अपनी गुजर बसर करती हूँ। लड़का मुझे 1 रुपया नहीं देता ना, मेरी तबीयत भी खराब रहती, तो मेरे इलाज पानी भी कुछ नहीं कराता ना, आज तक फ़ोन करता और फ़ोन भी अभी काट दिया, और आता भी है तो दूसरी रोड से और घर में जाता है, और वहाँ के कहते हैं गांव वालों के साथ में उसकी जान पहचान अपने दोस्त के यहाँ रुकता है, मेरे से कोई मतलब नहीं रखता। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।